हम अभी जो है गेट से एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टिकट निकाल चुके हैं। हमको जो है मगर देखने के लिए जाना है, तो दोस्तों हम तो दोस्तों यहाँ पर हाथी का बोर्ड लगाया गया इस यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो है प्राणी संग्रहालय पुणे में कात्रज, यहाँ पर दोस्तों अभी हम वहाँ पर निकल चुके हैं। वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, मतलब कि शेर, जो जंगली प्राणी है वहाँ पर आपको जो है सामने से देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वहाँ पर जाते हैं और किस तरह का प्राणी संग्रहालय, आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। अगर आप देखने के लिए आ रहे हो यहाँ तो ये वीडियो ज़रूर देखना। तो दोस्तों ये प्लेस जो है कात्रज में है, तो यहाँ पर आने के लिए आप जो है टू व्हीलर्स पर आ सकते हो। आपको जो है लोकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। उसी के साथ दोस्तों आप जो है PMT से अगर कात्रज बोलोगे और प्राणी संग्रहालय का नाम लोगे, तो यहाँ पर PMT से 20-30 रुपये में पुणे से आपको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो पास ही नज़दीक है पुणे में, तो आप यहाँ पर एक बार आ सकते हो। तो दोस्तों कात्रज में आने के बाद, कात्रज दूध डेयरी यहाँ पर फेमस है, तो दोस्तों उसके सामने ही आपको जो है राजीव गांधी पार्क दिखाई देगा। तो दोस्तों आज संडे, इस वजह से आपको यहाँ पर भीड़ ज़्यादा दिखाई देगी। तो यहाँ पर टिकट काउंटर बनाए गए 4, वहाँ पर आप जो है टिकट ले सकते हो। यहाँ पर बोर्ड पर आप देख सकते हो अलग अलग लगाए गए हैं, तो 40 रुपये पर पर्सन ऐसा नॉर्मल टिकट है यहाँ पर, तो टिकट लेकर आप अंदर जा सकते। तो टिकट तो आ चुका है, तो चलिए अंदर जाते हैं। तो दोस्तों अंदर आते ही इस तरीके जू आपको दिखाई देगा, जू नाम प्राणी संग्रहालय का। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेल्फी खींचते हैं, तो अंदर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम अभी जो है गेट से एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो टिकट निकाल चुके हैं। दोस्तों 40 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट है, बाकी कुछ मतलब स्टूडेंट के लिए या फॉरेनर के लिए अलग अलग टिकट है, उसका लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो पार्क में हम आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले हम वाइल्ड लाइफ देखेंगे, उसके बाद स्नेक वगैरह देखेंगे, तो चलिए। तो दोस्तों सामने आपको एक डिवाइडर दिखाई देगा, आते समय आपको लेफ्ट साइड में जो है स्नेक पार्क दिखाई देगा, उसके बाद जो राइट साइड पर आपका जो है चिड़ियाघर, इसलिए हम पहले जाएंगे चिड़ियाघर। वहाँ पर जो भालू, शेर, अलग अलग तरीके की बिल्ली आपको दिखाई देंगे, तो चलिए दिखाते किस तरह से। तो दोस्तों जंगल में राइट साइड में आती है आपको स्टार्टिंग में बिल्लियाँ दिखाई देगी, अलग अलग तरीके की बिल्लियाँ हैं। यहाँ पर एक देख सकते हो जो कि जंगली बिल्ली है, जिसे जंगल कैट नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके से, आप खुली यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये जालियाँ देख सकते हो, इसके अंदर अलग अलग बिल्लियाँ यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आगे जाती यहाँ पर शेकरू नाम का प्राणी दिखाई देगा, जो कि महाराष्ट्र का राज्य प्राणी है, तो कुछ इस तरह का है। तो दोस्तों सेफ्टी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है, देख सकते हो केस पूरे तरीके से बंद है। तो दोस्तों टॉयलेट, वॉशरूम की भी अंदर सुविधा आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एनिमल देखने के लिए जो है भीड़ लगी हुई रहती है, अच्छे तरीके से जो भी पेट भर के देख लेता है उसके बाद ही आगे जाता है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे जाकर हमें जो है भालू देखने को मिला, आप देख सकते हो ब्लैक कलर का एक भालू है। दोस्तों मतलब हर एक जगह पर दो, एक मेल और एक फीमेल इस तरीके से रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो एक फीमेल और एक मेल भालू है। उसी तरीके से आगे भी आपको जो है एक मेल शेर होगा, फीमेल शेर होगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। आज भी हम दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों एनिमल आप जब जू में देखने के लिए आओगे, तो ये जानवर हमें खुली इग्नोर करते हैं, मतलब आप उनको आवाज़ देते हो तो आपकी तरफ देखते ही नहीं, वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जू राइड भी आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से बस बनाए गए, इसके अंदर आप पूरा जू जो है देख सकते हो। तो दोस्तों घूमने के लिए रास्ते भी काफ़ी अच्छे हैं, पूरा जंगल का वायु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जगह जगह पर बैठने के लिए सीट्स बनाए गए हैं और एकदम सेफ है, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर धोखा नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है हिरण का डिपार्टमेंट दिखाई देगा, अलग अलग तरीके के हिरण अलग अलग डिपार्टमेंट में रखे गए हैं। इनकी क्वान्टिटी एज़ कम्पेयर अदर एनिमल से काफ़ी ज़्यादा है, और उनके अलग अलग तरह की वराइटीज़ है, और उनके बोर्ड भी यहाँ पर लगाए गए हैं, उनका नाम क्या है,
उनकी जो विशेषता क्या है, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब यहाँ पर खुद आओगे तो आप खुद यहाँ पर सारा पढ़ सकते हो, उनकी विशेषताएं यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट भी आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो चिल मार रहे, पिकनिक के लिए आ सकते हो यहाँ पर आप। तो यहाँ पर केवल झड़पी के अगर आप स्टूडेंट हो तो केवल 5 रुपये में आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से बोर्ड लगाए गए हैं डायरेक्शन दिखाकर, यहाँ पर देख सकते हो टाइगर लेकर यहाँ पर जो है डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं, तो ये वाला डिपार्टमेंट जो टाइगर का है खुला एकदम, इसको नेट नहीं है दोस्तों, आप सीधा यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन एक वाल बनाई गई है, वो बड़ी वाल है जिसके अंदर जो है शेर नहीं आ सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर आपको शेर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका वेट करते हैं, जब हमारे सामने आ जाएगा तो हम नज़दीक से इसको दिखाएंगे आपको। उसी के बाजू में दोस्तों आपको जो है सिंह भी दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। नज़दीक से तो हमें ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप इस तरीके से देख सकते हो। काफ़ी भीड़ थी कि वो पास आएगा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी वो हिला नहीं, एक जगह पर बैठ के था। तो यहाँ पर नीचे एक बैठा हुआ आप देख सकते हो, फीमेल, और मेल आगे आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसी जू के अंदर आपको एक तालाब दिखाई देगा, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की मछली भी है। तो इनको हम बिस्किट डालकर देखेंगे, बहुत क्वांटिटी में है। बिस्किट डालने के बाद वो ऊपर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हाथी का बोर्ड लगाया गया, इस यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, तो चलिए हाथी देखने के लिए जाते हैं। तो चलिए इस जगह पर भीड़ लगी, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीमेंट का बनाया गया है, और उसके अंदर 2 हाथी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इन्हें खुला नहीं छोड़ा, लगता है कि बांध कर इस जगह पर रखा है। तो दोस्तों हमने जो है हाथी दिखाने का आपको प्रयास किया, लेकिन उनको जो है बांध कर रखा था, मतलब कि उनको साखड़ी से जकड़ दिया गया था, इस वजह से उनको एक ही जगह पर बंद किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आते समय जो है चॉकलेट एनर्जी ड्रिंक लेकर आते चलो, क्योंकि धूप होने की वजह से आपको थकान महसूस होगी। तो अभी हमने तो नहीं लाया, हमसे गलती हो गई, मतलब यहाँ पर आने पर हमें पता चला कि भाई लाना था। तो आपको यहाँ पर पानी मिलेगा, लेकिन जो है आपको बिस्लेरी पानी नहीं मिलेगा, जो भी कॉरपोरेशन का पानी वही मिलेगा। तो अगर आप बिस्लेरी पानी पीते हो तो आपको बॉटल साथ में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक बच्चे को व्हीलचेयर पर लाकर यहाँ पर जो है प्राणी संग्रहालय दिखाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इंस्टा के वगैरह रील्स भी बना सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा जगह है और यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये बता रहा है कि रील्स करने के लिए यहाँ पर अच्छी जगह है, लेकिन 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 रील के लिए आपको यहाँ पर 40 रुपये देकर आना पड़ेगा एंट्री। केवल एक रील बनानी है तो मत आइए, 4-5 रील शूट करना है तो आ सकते हो। ए दादू
तो दोस्तों अभी हम थोड़ा देर बैठे हैं यहाँ पर टाइम लैप्स लगा के। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 40 रुपये देकर आते हो तो फुल डे आप यहाँ पर बिता सकते हो। एक बार अगर गेट से आप बाहर जाओ तो फिर से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको रेस्ट करके आप अच्छे से जो है हर एक जानवर प्राणी देख सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम जाएंगे सर्प उद्यान। तो दोस्तों लेफ्ट साइड को जो सर्प उद्यान स्नेक पार्क मैंने बताया था, अब हम वहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो टाइप के रेप्टाइल्स है, स्नेक्स है, हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि मगर हो, कछुए हो, हम आगे देखेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों गेट के अंदर आती है आपको जो धामन प्रजाति का सांप देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, पीछे बहुत ही भीड़ हो रही है। वहीं पर हूँ, फोटो बना रहे होंगे। नहीं ऐसा होता साथ दे। तो दोस्तों स्नेक पार्क में आपको एक दो जो है सेल्फी पॉइंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप फोटो भी खींच सकते हो, और फिर से एक बार यहाँ पर भी है। तो दोस्तों वाइड एंगल में आप देख सकते हो स्नेक पार्क आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो भीड़ हो रही है ये अजगर देखने के लिए हो रहे हैं। तो चलिए हम भी लाइन में लग कर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वह एक जगह पर बैठा हुआ है, मतलब हम उसकी लेंथ वगैरह नहीं देख सकते, जस्ट फोल्ड होकर वो यहाँ पर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक एग्जीबिशन हॉल भी है। तो यहाँ पर क्या क्या है हम अंदर जाकर देखेंगे। यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर आपको जो है ग्लास में एक गिरगिट दिखाई देगा जो कि अलग अलग कलर बदलता है। तो अभी ये लकड़ी पर बैठा है तो लकड़ी का कलर इसने ले लिया, आप देख सकते हो लकड़ी के जैसा कलर है। अगर एक ग्रीन पेड़ पर बैठेगा तो ये पूरा ग्रीन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के जो है आपको टर्टल्स भी दिखाई देंगे, कासो। तो ये कुछ अलग ही तरीके का है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके का नहीं देखा होगा। इसका जो नाम है वो है चांदनी कासो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर एक फिर से एक नॉर्मल सा टर्टल आप देख सकते हो। मतलब कि हर एक प्रजाति का आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये पानी में रहने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर एक पूल टाइप बनाया गया है, यहाँ पर आपको जो है मगर देखने के लिए जाना है। तो दोस्तों हम अभी मगर देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के मगर भी देखने को मिलेंगे, जो कि कीचड़ में रहने वाले मगर होते हैं या कोई पानी में रहने वाले मगर, इस तरीके के अलग अलग मगर हैं। उनके बोर्ड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उसकी विशेषता क्या है देखने को मिलेंगे, इसलिए आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करना। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो जो पानी में रहता है मगर वो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक मीनिंगफुल बोर्ड बनाया गया है, एक दिन ऐसा आएगा। तो क्या है, तो 1800 में कुछ इस तरीके से इतने ज़्यादा प्राणी थे ऐसा यहाँ ने यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद
19 सेंचुरी में, यहाँ पर 1900 में और यहाँ पर 2000 में कितने प्राणी रह गए। आने वाले वक्त में मतलब 2100 में यहाँ पर आप देख सकते हो एक भी प्राणी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर लगाया गया है। तो चलिए, हमने पूरा जो है स्नेक पार्क भी यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक झील भी है, मतलब कि इस पूरे प्राणी संग्रहालय के अंदर एक झील है और उसके ऊपर आपको अलग अलग तरीके के बर्ड्स, डक वगैरह दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, तो ये वाला झील है जिसके बाद पूरा सिटी भी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये जो है जू के अंदर ही आता है, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखने के लिए काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम बाहर जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो बाहर का बोर्ड लगा हुआ है। और हम अच्छा हुआ कि हम जल्दी आए थे। अब देखिए संडे के दिन यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो ये देख सकते हो पब्लिक कितनी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने जो है पुणे में जो सर्प उद्यान है जहाँ पर डिफरेंट पानी में रहने वाले प्राणी हैं इनका वीडियो में आपको दिखाया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको पुणे में से कौन से ब्लॉग देखने हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर भी आपको आगे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे बच्चे बच्चे सब खाना वगैरह खा रहे हैं। ये देखो ओमकाश, देखो ये भी गया है और ये नहीं ले रहा। गरीबी देखो इसके पास कितनी, पेमेंट नहीं आ रही, इसका अकाउंट ही क्या हो गया है। एक चालू नहीं हुआ है। तो इसको सब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।